घर और किचन के काम संभालना काफी आसान और कुछ कठिन होते हैं। तो दोस्तों वही अगर हम टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू करें तो हमारे काम काफी आसान हो जाते हैं, हमारे लिए समय बच जाता है, कुछ पैसे की बचत हो जाती है। तो नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, पहला टिप्स हमारा है सीजन के हिसाब से जो बरसात चल रही, बरसात में सबसे ज़्यादा हमारी जो माचिस होती है सीम जाती है और इनकी जो तीलियां होती हैं बेकार हो जाती है। तो दोस्तों हमें क्या करना, हमारे घर पे जो इस तरीके से कांच की बाटल होती है और वो हमें ले लेना है। इसके बाद जो हमारी माचिस की साइड में जो रोगन लगा होता है उसको कट कर लेना है, थोड़ी सी रोई लेना है दोस्तों और इसके नीचे हमें रख देना है, अच्छे से लेवल कर देना है। अब हमारी जो तीली है इसमें हम डाल देंगे और एक रोगन का पत्ता है वो भी डाल देंगे। अब दोस्तों इस तरीके से अगर हम रखेंगे तो हमारी जो माचिस से कभी गीली भी नहीं होगी, सीमेगी नहीं और बहुत आसानी से इसे हम थोड़ी पैसों की बचत हो जाती है और इस तरीके से हम अपनी माचिस की तीलियों को सेफ रख सकते हैं। तो एक हमने रोगन उसमें डाल दिया, एक हमने इधर टैप की हेल्प से बाहर इसको चिपका दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों जब हमें ज़रूरत पड़े इस तरीके से हम जगा सकते हैं। तो काश आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। अगला टिप्स देख लेते हैं, इस तरीके से जो कूड़े के छाबे होते हैं दोस्तों हर घर में होते हैं और अक्सर यहाँ से जो तार होता है जो बेकार हो जाता है इसका हमें मांजने में खतरा होता है। तो दोस्तों हम इसे बाथरूम में इस तरीके से यूज कर सकते हैं, अपनों साबुनदानी इसको कहीं हम जो हमारी डंडी है उसको हम अगर रखने वाला हो रख दें या फिर इसको हम कहीं बांध कर इस तरीके से बाथरूम में रख देंगे तो हमारे साबुन रखने का काम आएगा। बस आपको ये भी आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। छोटी छोटी टिप्स है मगर बहुत काम की है, अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। अब क्या है दोस्तों, इस तरीके से जो कढ़ाई होती है या चायदानी होती है, बहुत सी ऐसी हर घर में ये चीज़ें जरूर होती है और इनमें पेच लगा होता है, पेच बहुत जल्दी इसका इस तरीके से हिलना लगता है। तो क्या होता है दोस्तों, हमारे घर पेचकस नहीं है तो एक हमें लेना है चम्मच, चम्मच के हेल्प से हम अपने किचन में ही बैठे बैठे इसको इस तरीके से कस सकते हैं, हमें कहीं उठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर कोई बड़ा चम्मच हो या फिर कलछुली हो, कोई भी छाबे से भी हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा सा छोटा सा एक टिप्स है, काश आपको अच्छा लगे तो अप्लाई जरूर कीजिए। अब देख सकते हैं दोस्तों हमारे ये कस चुका। अब क्या इसकी प्रॉब्लम होती है, जो इसके जो स्क्रू होते हैं इसमें काई बहुत लग जाती है, एक में इसकी काई लगी तो इसका स्क्रू होता है ख़राब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, लेना है नेल पॉलिश और इस तरीके से हमने स्क्रू में लगा दें। अब इससे पानी नहीं जाएगा, काई नहीं लगेगी, हमारा ये ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो ज़रूर इसमें नेल पॉलिश लगा दीजिएगा, जिससे हमारे ये ख़राब होने का कोई चांस नहीं है, सालों साल चलेंगे। अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों, जो बाटल है, बाटल को हम ले लिया, इसको कट कर देते हैं, इसका रैपर है, रैपर को हम एच लेते हैं, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के कट कर लेंगे। तो इसको हमें कट कर लिया है दोस्तों, अब हमें इसे देख लेना है इसको हमें कैसे यूज करना है, इसको अच्छे से हमें इस तरीके से रख लेना है, कहाँ यूज करना है। जो हम बर्तन मांज के आते हैं दोस्तों इस तरीके से छोटे छोटे चम्मच होते हैं और इस तरीके से काफ़ी चम्मच होते हैं और छोटे छोटे जो हम बहुत सारी चम्मचें हो जाती है, इस तरीके से रखने से हमारा जो किचन होता है वो रेप हमारी पूरी बेकार हो जाती है, एकदम गीली सी होने लगती है, फिर ख़राब लगती है। अगर दोस्तों इस तरीके से हम एक होल्डर बना लेंगे तो हमारी जब धुलके आएंगे इस तरीके से रखेंगे सारा पानी इसी में निकलेगा, हमारा किचन ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों हम रख देंगे, हमारा काम भी कम रहेगा। अगला टिप देख लेते हैं, जो हमारे चमीटा होता है, बेलन होता है, इस तरीके से छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं छन्नी वगैरह, इस तरीके से इसको भी हम इसमें रख सकते हैं, कहीं भी अगर हैंग भी कर देंगे तो भी इस चीज़ों को हम रख पाएंगे। और हमारा बेलन होता है इधर उधर रखने से अच्छा है कि इसको इस तरीके से हम रख सकते हैं। और ये हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बेलन नहीं रखे तो नहीं और बाकी चीज़ हम इसमें रख सकते हैं। तो
अगर आप बेलन को रख सकते हैं तो बेलन को भी रख सकते हैं। तो बेलन को हमेशा अपनी तिवाई के साथ ही रखें। हमने इसमें आइडिया दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो रख सकते हैं। अब अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों। जब हम कभी छतरी को लेकर के जाते हैं और घर पे आते हैं तो उसमें ढेर सारा पानी चूता है, कहीं भी रख दो वहाँ गीला हो जाता है। तो इस तरीके से बाटल को कट कर लेना है और इसे हम कहीं भी इस तरीके से रख देंगे। नहीं रखने की जगह है, हम नहीं रख पाते तो इसको कहीं हम हैंग करके रख देंगे, जो सारा पानी इसी में चूएगा, हमारा घर गीला नहीं होगा। बहुत आसानी से एक छोटी सी टिप्स है मगर हमारा काम काफ़ी आसान कर दिया है। इस तरीके से कहीं भी रख सकते हैं और उसे कहीं भी हैंग करके इस तरीके से टांग सकते हैं। अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों। हमें लेना है एक बाउल, कोई सा बर्तन लेना है, उसमें हमें थोड़ी सी डाल देनी है मेथी दाना। इसके बाद लेना है हमें लहसुन। तो दोस्तों हमने थोड़ा थोड़ा लिया है, आप ढेर सारा बना करके रख सकते हैं। और अब लेंगे हम सरसों तेल, जो हम खाने में यूज करते हैं। तो दोस्तों इसको हमें इस तरीके से पका लेना है, जब तक ये हमारे जल जाएंगे तब तक इसको हमें पकाना है। तो हमारे ये पक करके रेडी होगा, ठंडा हो चुका है। तो दोस्तों अब इसे हमें कैसे यूज करना है, क्या जो हमारे छोटे छोटे 0 से 1.5-2 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए मालिश के लिए बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों। जो हमारे बच्चे एकदम ढीले होते हैं, चल नहीं पाते, अगर ये तेल हम लगाएंगे तो हमारे बच्चे जो साल के भीतर ही चलने लगे। इसकी मालिश हम 2 से 3 बार करेंगे। और दोस्तों अगला टिप देख लेते हैं, क्या होता है जैसे बारिश है, ठंडी है, इसमें बच्चों को जुखाम सर्दी बहुत होती है। अगर इस तरीके से हम तेल बना करके रख लेंगे, बच्चों को डेली यूज करेंगे तो हमारे बच्चों को जुखाम सर्दी नहीं लगेगी। खासकर जब जुखाम सर्दी हो जाए तो इनके पैर के नाखूनों में और हाथ के नाखूनों में मालिश जरूर करें, इससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स थी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी बताइए आप कहाँ से देख रहे, वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक लिए।